कार्तिक मास के 23वें अध्याय में आपने जाना भीष्म पंचक व्रत के महात्म्य के बारे में, साथ ही आपने जाना कि भीष्म पंचक व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और किस प्रकार व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर अंत समय में वैकुंठ लोक को जाता है। अगर आपने भीष्म पंचक व्रत के बारे में अभी तक नहीं सुना और अगर आप जानना चाहते हैं कि भीष्म पंचक व्रत क्या होता है और अगर आप कार्तिक मास के शुरू से लेकर अब तक के सभी अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले कार्तिक मास के सभी महात्म्य को सुन सकते हैं। आज कार्तिक मास का 24वां अध्याय। कार्तिक मास के 24वें अध्याय में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं। देवर्षि नारद इस प्रकार इस कथा को और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप सभी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य और इसके बारे में जो वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने किया उसे सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात जागृत होते हैं, अर्थात उठते हैं, और इसीलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास यानी कि 4 महीने के जो व्रत होते हैं वो इसी दिन समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चातुर्मास का जो समय होता है 4 महीने का, वो इसी एकादशी के दिन समाप्त हो जाता है। और इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप और रात्रि जागरण कर ले तो उसे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियों और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष में समारोह भी करने चाहिए। साथ ही इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो भगवान श्री हरि के प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं और इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से साल भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट कराए और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। चातुर्मास के व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज ने आगे बताते हुए कहा कि 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा प्रथु से कहा अब वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब देवर्षि नारद आगे का इतिहास सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा रहा करता था, जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। उन्हें इस प्रकार ध्वजारोपण करते देखकर ऋषि ने उनसे कहा,
हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेक साधन हैं। तब आपकी इस ध्वजारोहण करने में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं अब आपको सुनाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था और मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया और इसके बाद वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा। मैं उस घने जंगल में जीव जंतुओं और मृग को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर एक झंडा सा बनाया और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की ही मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमफांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि महाराज, ये दोनों तो महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है और यही कारण है कि हम इन्हें यमपुरी लेकर आ रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर के पाप कर्मों में ये दोनों लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण कर और नृत्य और गायन भी किया है, इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये दोनों अब विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कार्तिक मास के अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने कार्तिक मास के व्रतों के उद्यापन की विधि बताई। उम्मीद करती हूँ आज का यह अध्याय आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक कार्तिक मास के अध्याय नहीं सुने हैं तो आपसे फिर से अनुरोध है कि कार्तिक मास के इन सभी अध्यायों को आप जरूर सुनिएगा। आपको मेरी आने वाली वीडियोस में देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह से संबंधित सभी जानकारी भी इसी प्रकार प्राप्त होंगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी अगली वीडियोस का इंतजार जरूर करेंगे।